नमस्ते दोस्तों, मैं हनी लालवानी हनी की रसोई से आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कान्हा जी का बर्थडे आने वाला है, यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज मैं आप सबके लिए कान्हा भोग के लिए स्पेशल नारियल पाक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे पंचमेवा पाक भी कहा जाता है। बनने में बहुत ही आसान, झटपट तैयार होता है और स्वाद में लाजवाब। तो इस जन्माष्टमी इसे आप ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए वीडियो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पंचमेवा पाक बनाने के लिए हमें इन सब सामग्री की आवश्यकता होगी। इसमें 5 मेवे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इसे पंचमेवा पाक कहा जाता है। तो 1 कप हम मखाने लेंगे, इसे लोटस सीड्स या फूल मखाने कहा जाता है। साथ ही 2 बड़े चम्मच किशमिश है, 10 से 12 बादाम, 10 से 12 काजू और 1 नारियल है, जिसको आधा मैंने कद्दूकस कर लिया है, आधा इस तरह के टुकड़ों में रखा है। इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए और 1 कप यहाँ पर चीनी है। ग्राम्स में नापेंगे तो करीब 220 ग्राम चीनी हमने ली है। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो चलिए हम अपना नारियल पाक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई हम लेंगे, जिसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी हम गरम कर लेंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम मखाने डाल देंगे और मखानों को मध्यम आँच पर हल्का सा सुनहरा होने तक भून लेंगे। फ्लेम आप मीडियम रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक या कुरकुरा होने तक हमें भून लेना है। देखिए, मखाने हमारे भुन चुके हैं। एक मखाना इस तरीके से आप चेक करें, अगर मखाना भुनने के बाद इस तरीके से आराम से टूटने लगते हैं तो बस ये तैयार है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब उस सेम कढ़ाई में हम बादाम और काजू डाल देंगे। इन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इन्हें भी हमें कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लेना है। फ्लेम हम एकदम लो रखेंगे और 30 सेकंड्स के लिए हमें इन्हें रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से हमारे नट्स काफ़ी क्रंची हो जाते हैं और पाक बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो बस ये हमारे जो बादाम और काजू भी हो चुके हैं, तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में हम नारियल डाल देंगे। तो दोनों नारियल हम डाल करके इसे भी हल्का सा कलर चेंज होने तक और खुशबू आने तक हमें भून लेना है। ध्यान रखिएगा, फ्लेम आप एकदम लो रखें, नहीं तो नारियल जल सकता है। तो आप देख सकते हैं नारियल का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और काफ़ी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में 1/2 कप पानी डाल देंगे और 1 कप हमने जो चीनी रखी है वो डाल देंगे। पर रेशो आप याद रखिएगा, आप जितनी भी चीनी लेंगे उसका आधा पानी आपको डालना है। और एक बार फ्लेम हाई करके इस चीनी पिघलने तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। और देखिए, चीनी अच्छे से पिघल चुकी है। अब मध्यम आँच पर या तेज़ आँच पर इसमें 1 तार की चाशनी बनने तक हमें इसे पकाना है। तक हमारी चाशनी बन रही है, हम अपने मखानों को क्रश कर लेते हैं। तो बेलन की हेल्प से इस तरीके से आप क्रश कर लें। हमें इसे मिक्सी में नहीं चलाना है, हमें इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में ही इसे तोड़ना है। तो ये तैयार हो गया है, इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। देखिए, आपको इसी तरह के बड़े टुकड़े रखने हैं। नारियल पाक जमाने के लिए हमने एक ट्रे ले ली है। आप कोई भी थाली या प्लेट ले लें, जिसे आप इस तरीके से घी से ग्रीस कर लें। और एक ग्रीसिंग वाला काम ये सब आपको पहले से करके रखना है, ताकि आप मिठाई बनाते ही फटाफट इसमें डाल सकें। ये देखिए, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। देखने से ही काफ़ी गाढ़ी लग रही है, फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं। तो एक उंगली और अंगूठे के बीच बड़ी ही सावधानी से, बिकॉज काफ़ी गर्म है, आप चेक कर लें। और आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, इस तरीके से इसमें तार बनना चाहिए। तो हमें 1 तार की चाशनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी, उसके बाद ही हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो फ्लेम हमने एकदम लो रख दी है और यहाँ पर हम पहले इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची मिक्स करने के बाद में हमारे बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स थे, मखाने, नारियल और ड्राई फ्रूट्स, वो हम इसमें डाल देंगे। और सारा ड्राई फ्रूट डाल करके लगा फटाफट से हमें इसे मिक्स कर लेना है, इसे हमें ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है। और अभी मिक्स करने के बाद फ्लेम हम हाई कर लेंगे और हाई करने के बाद कुछ ही सेकेंड्स के लिए हमें इसे पकाना है। इसे बिल्कुल भी ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो आपका जो नारियल पाक या पंचमेवा पाक है वो हार्ड हो जाएगा और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इसको हल्का सा उबाल आ गया है, गैस हम बंद कर देंगे। ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है जमने के लिए और इसे ग्रीस की हुई थाली में निकाल लेते हैं। तैयार की हुई ट्रे में ये पूरा मिक्सचर हम निकाल लेंगे। इसे मैंने स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से ऊपर से दबा दिया है। अब इसको 2-3 घंटे के लिए हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, करीब 2 घंटे हुए हैं और हमारा नारियल पाक अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे हम अपने मनचाहे टुकड़ों में काट लेते हैं।
तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल यानी कान्हा के भोग का स्पेशल नारियल पाक या पंचमेवा पाक बनकर के रेडी हो चुका है। और आप देखिए, देखने में ही आपको पता चल रहा होगा एकदम परफेक्ट ये बना है, बिल्कुल अच्छे से सेट हुआ है। और ऊपर से कि इसमें होता है जो नट्स है उसका क्रंच रहेगा, क्रंची सा नारियल है, मखाने हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट एंड जूसी सा ये रहता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे आप जन्माष्टमी पर आप ज़रूर बनाइएगा, या नॉर्मली भी आप व्रत रखते हैं या आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इसे बना सकते हैं। झटपट तैयार होता है और आप इसको आराम से 10-15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।